हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज का ट्यूटोरियल है हेयर कट के रिकॉर्डिंग, और मैं एक अच्छा सा अमेजिंग सा हेयर कट आपके लिए लेके आई हूँ, फुल ट्यूटोरियल। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको क्या करना है, बालों को टैंगल फ्री करना है, बालों को गीला करना है, या फिर अगर क्लाइंट के पास टाइम है तो आप बालों को हेयर वॉश कीजिएगा फॉर द बेस्ट रिजल्ट। और उसके बाद आप टैंगल फ्री करने के बाद क्लाइंट को पूछिएगा उनको कितना लेंथ कम करना है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा सा सिंपल सा एक गाइडलाइन क्रिएट करना है, और स्ट्रेट गाइडलाइन आपको क्रिएट करना है। और गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग सा हेयर कट है, ये सिग्नेचर हेयर कट है। आप इसको सिंपल वे में स्टेप विद लेयर भी कह सकते हो, ठीक है गाइस। और यहाँ पे बहुत इजी वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं, आप इजीली समझ रहे हो। सो देखिए, यहाँ पे गाइडलाइन तो क्रिएट हो चुकी है, स्ट्रेट गाइडलाइन हम लोगों ने बनाई हुई है। आपको हर बार याद रखना है कि आपको एक बिग हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है, और उसमें से आपको तीन वर्टिकल सेक्शंस निकालने हैं जो कि आप अपने फिंगर्स में पकड़ सकें, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हो वीडियो में, लेफ़्ट साइड का आपको लेफ़्ट साइड में कट करना है, राइट साइड के हेयर आपको राइट साइड में कट करने हैं, और जो बीच के जो हेयर हैं, जो मिड के जो हेयर हैं, वो आपको बैक में कट करने हैं। सो बहुत ही सिंपल है गाइज, आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। आपको क्या करना है, बालों को फर्स्ट ऑफ ऑल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री में कट करना है, ठीक है। 90 डिग्री समझ रहे हो आप, आपको बालों को स्ट्रेट वे में पकड़ना है और आपको उसको कट करना है डायगोनल में, थोड़ा सा तिरछा कट करना है। उसी सेक्शन को आपको और थोड़ा सा ऊपर लेके, थोड़ा सा खींच के 120 डिग्री में आपको अगेन एक बार फिर से तिरछा कट करना है, ठीक है। सो आप देख रहे हो तीन सेक्शंस हैं, मैं आपको फिर से एक बार दिखा रही हूँ वीडियो में, तीन सेक्शंस हैं। उसमें से जो मिडल सेक्शन है वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 90 डिग्री पे अभी कट हुआ, वही सेक्शन हम लोग 120 डिग्री में लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये थोड़ा सा खींच के 120 डिग्री में सेम डायगनल में आपको कट करना है। यही रूल पूरे हेयर में आपको फॉलो करना है कि आपको तीन सेक्शन निकालने हैं, लेफ़्ट वाले हेयर लेफ़्ट वाले साइड में कट करने हैं, राइट वाले हेयर राइट साइड में कट करने हैं, और जो बीच का मिडल पार्ट है वो आपको बैक में करना है। सेम इसी तरह से आपको नेप एरिया से क्राउन एरिया तक सेम यही रूल फॉलो करना है सिग्नेचर हेयर कट के लिए। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप मेरे सब्सक्राइबर हो पहले से ही, तो ऑफकोर्स आपको लाइक करना है। एंड गाइस, यस, मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगी इसका। और बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल पे ज़रूर जाइएगा, चेकआउट कीजिएगा। हेयर रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर अवेलेबल है गाइस, सो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, वही सेक्शंस को बार बार रीचेक हो रहा है, बार बार रीचेक हो रहा है। आपको बार बार रीचेक करना है क्योंकि ये बहुत थिन हेयर है, और थिन होने के बावजूद भी ये लॉन्ग हेयर है। सेम टेक्निक, सेम रूल आपको सारे हेयर में अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बार बार रीचेक करना है। सो इससे क्या होगा, आपके स्टेप्स, आपके लेयर्स बहुत ही डिफाइन दिखेंगे। और यस गाइस, यहाँ पे क्लाइंट को बहुत ही अर्जेंसी थी, ब्लो ड्राई के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने एक शॉर्टकट वे में आपको ब्लो ड्राई बताया है, फ्लावर बन ब्लो ड्राई। और अगर आपके क्लाइंट को बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, और अभी देख सकते हो वीडियो में इनका छोटा बेबी है, सो इसके लिए ये बहुत फास्ट फास्ट हो रहा था। सो मैंने कई बार, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपको टाइम नहीं मिलता है ब्लो ड्राई के लिए। सो जो थंबनेल में आपने देखा है वो आफ्टर ब्लो ड्राई का लुक है, जैसे आप इसको अच्छे से ब्लो ड्राई करते हो, आउट में करते हो, तो आपको सेम वैसा ही रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको विदाउट ब्लो ड्राई का लुक बताया है वीडियो में, कि आप बाल वॉश करने के बाद भी सेम यही रिज़ल्ट पा सकते हो,
ठीक है गाइस। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने ऊपर से थोड़ा सा और सेक्शन लिया है, हॉरिजॉन्टल सेक्शन। अगेन तीन पार्टीशन किए हैं, एक मिडल का है, एक लेफ्ट का है और एक राइट का है। सेम वे में आपको 90 डिग्री पे लेके जाना है, आपको डायगोनल में इसको कट करना है। सेम वही सेक्शन को आपको थोड़ा सा ऊपर लेना है, आप यहाँ पे देख सकते हो 120 डिग्री में लेना है। और अगेन आपको सेम वही डायरेक्शन में आपको डायगोनल यानी तिरछा आपको कट करना है। ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल और इजी सा ये हेयर कट है। आप इसको दो तीन बार देखिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। एंड यस गाइस, ये हेयर कट आप किसी भी हेयर पे कर सकते हो। आप कर्ली पे कर सकते हो, वेवी पे कर सकते हो, आप थिक हेयर पे कर सकते हो, फाइन हेयर पे कर सकते हो। हर एक टेक्सचर पे ये हेयर कट बहुत अमेजिंग लगता है। ठीक है गाइस, सो वीडियो को देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, एक हाफ मून सेक्शन लिया है, एक छोटा सेक्शन लिया है और उसको क्या करना है, आपको टॉप के 90 डिग्री पे आपको लेना है, यानी सीधा ऊपर लेना है आपको। और जो पीछे की गाइडलाइन है सेम उसी को ही आपको कट करना है। अभी देखिएगा इधर गाइस, जो बालों को हमने टाई किया था हाफ मून सेक्शन में, या फिर आप एक छोटा सा स्क्वायर ले सकते हो, या फिर आप एक बॉक्स सेक्शन ले सकते हो, इन बालों को ऊपर टॉप पे लेके आपको 90 डिग्री में कट करना है। लेकिन याद रखिएगा, आपको गाइडलाइन कहाँ से लेना है, आपको गाइडलाइन पीछे से लेना है। ठीक है, एक एक बात को मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ऐसा करने से क्या होता है गाइस, ऐसा करने से आपके क्राउन के राउंड में आपको अच्छे से लेयर दिखेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। ये हेयर कट हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा थिन हैं और लॉन्ग हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको नॉचिंग करना है। आपको अब बार बार रीचेक करके आपको जितने मूव्स चाहिए, जितने आपको बॉक्स सेक्शन चाहिए, आप उतना ले लेके आप ऊपर कट कर सकते हो। ठीक है, और फ्रंट का जो आपको देख रहे हो, आप जो रेडियल पार्ट देख रहे हो, या फिर आप उसको कह सकते हो ईयर टू ईयर का पार्ट, वहाँ पर हम लोग देंगे लेयर, वहाँ पर हम लोग सिंपल सा लेयर देंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये फिर से रीचेक हो रहा है हाफ मून, और इसको अच्छे से नॉचिंग करना है, कट करना है। और इसके बाद आप देखिएगा विदाउट ब्लो ड्राई ये कितना प्यारा लुक लग रहा है, देखिएगा इस। फिर से क्लाइंट को पूछा, क्लाइंट ने कहा कि उनको और थोड़ा लेंथ कम करना था। गाइस देखिए कितने प्यारे लेयर्स हैं, ये विदाउट ब्लो ड्राई आफ्टर हेयर वॉश के बाद ये लुक सेम ऐसा दिखेगा गाइस। आप ही देखिए, यहाँ पे ईयर टू ईयर पार्ट का हम लोग बहुत ही क्विकली लेयर्स देंगे, और यही लेयर्स को हम लोग बैक के हेयर में मर्ज करेंगे। क्लाइंट को आप पूछिएगा उनको कितना चाहिए, उनको नोज लेवल तक चाहिए या फिर आप उनको चीन लेवल तक चाहिए। अगर आप चीन लेवल तक करते हैं तो वो इजीली कानों के पीछे जाएगा और वो क्लाइंट को इरिटेट नहीं करेगा, अगर वो हाउसवाइफ है तो। ठीक है, सेम हम लोगों को लेफ्ट राइट दोनों साइड में सेम गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें लेयर्स करने हैं।
अभी बालों को नॉर्मली ड्राई करना है। देख सकते हो आप, इनका बेबी है और इन क्लाइंट को बिल्कुल टाइम नहीं था, सो ये रियल वर्क है। सो फटाफट हम लोगों ने यहाँ पे ड्रायर किया है। सो गाइज, मैं यहाँ पे आपको विदाउट ब्लो ड्राई का लुक दिखाने वाली हूँ। एक फ्लावर बन स्टाइल कहते हैं या टेक्निक कह सकते हो उसको। सो देखिएगा मैंने कैसे शेयर किया, और इसका एक अलग से वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी आपके लिए। संभालों को स्ट्रेट वे में पैडल ब्रश से फटाफट ड्राई करना है। एंड गाइज, अभी आपको क्या करना है, यही है वही टेक्निक जो मैं आपको बता रही थी, फ्लावर बन टेक्निक। सारे बालों को आपको एक पोनी की तरह पकड़ना है और ऊपर की तरफ ले जाते हुए आपको हीट देना है, आपको हीट देना है, फिर कूल करना है, फिर हीट देना है, फिर कूल करना है। ऐसे दो तीन बार करके आपको इसको छोड़ देना है। सो आप देखिएगा ये कितना प्यारा लुक लग रहा है। तो कैसा लगा गाइस, में बहुत सारे टिप्स टेक्निक्स मैंने बताए हुए हैं और ये है फाइनल लुक। सो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा गाइस, लाइक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और एक नई टेक्निक मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर क्लाइंट के पास अगर ब्लो ड्रायर नहीं है तो उनको बताना कि बालों को आउट में कर्ल करके ऐसे पिन करके रख सकते हैं रात भर, या फिर अगर उनको कहीं जाना है तो भी वो ऐसे कर्ल करके बालों को सेट कर सकते हैं। सो देखिएगा गाइस कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।